मोटो हर्ष फोर्टिनियो के बारे में डिटेल आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, जो वीडियो होने वाले मात्र 10 मिनट का। हर एक डिटेल इस वीडियो में आप फोकस करूंगा, क्योंकि मैं कोई टेक यूट्यूबर नहीं हूं कि फोन के बारे में बहुत ज्यादा विशेष बात करूंगा कि जिसमें कुछ प्रॉफिट हो। मैं जो भी बात करूंगा एकदम जेन्युइन बात करूंगा, जिस जो इस फोन में क्वालिटी में लगे 4-5 दिन से यूज कर रहा हूं, जो मुझको मिला है इसका क्वालिटी, जो फोकस मिला है उसी के बारे में विशेष बात करूंगा। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, ये ब्लॉग एक समझिए कि टेक से संबंधित ये वीडियो रहेगी, क्योंकि मोटो जी 14 न्यू जो मोबाइल का जो ऑप्शन आया है, जो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है या एड्रेस नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, मतलब कि बाइक ऑप्शन आ रहा है लेकिन फिर भी मोबाइल मिल नहीं रहा है, काफ़ी ट्रेंड बना हुआ है। मैंने एक वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, तो उस पर कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि भाई इसका बैटरी बैकअप कैसा है, इसका डिस्प्ले क्वालिटी कैसा है, कैमरा कैसा है। तो कैमरा मैं जो अभी शूट कर पा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4K 30 FPS पे मैं शूट कर रहा हूँ। अभी मॉर्निंग टाइम में सूर्य का उदय भी नहीं हुआ है और वीडियोज बन रही है सुबह के मात्र 5:35 पे। दिखा दें आपको तो देख सकते हैं, अभी कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि जहाँ पे सूर्य उदय हुआ है, मैं अभी हल्का हल्का शीत जैसा दिख रहा होगा, इस टाइम मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि क्वालिटी कैसा आ रहा है। मुझको गाइज बताया जाए तो देखिए, मैं कोई टेक यूट्यूबर नहीं हूँ कि ताकि मैं मोबाइल का प्रोसेस सिस्टम को अपडेट करके बताऊं, जो जेनरिक है, मतलब जो इसमें क्वालिटी दिया गया है उसी विषय में मैं बात करूंगा। गाइस, ज़्यादा कुछ भड़काऊ बात नहीं करूंगा। तो सबसे पहले बात आती है कि इस मोबाइल का बैटरी बैकअप कैसा है। सबसे पहले मैं मोबाइल के बैटरी बैकअप के बारे में बता दूँ कि सुबह देखिए मॉर्निंग टाइम में कल इसको चार्ज किया था, तो इसका बैटरी बैकअप शाम को लगभग 7 बजे तक चला था, 7-8 बजे तक, और फिर भी 30% अभी चार्ज था। तो इसका मतलब देखा जाए तो गुड क्वालिटी है बैटरी का, कोई बहुत बड़ा विशेष आवश्यकता नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा कम चल रहा है। हाँ, इसमें BH जो पबजी है, पबजी मैं कोई खेल कर हैवी गेमिंग करके टेस्ट नहीं किया हूँ, तो अगर जो गेम वेम के लिए लेना है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस फ़ोन को लीजिए, लेकिन मैंने इस पर्पज़ से लिया है कि इस फ़ोन से ब्लॉगिंग किया जाए। तो इसका जो भी क्वालिटी है कैमरे के विषय में बात करें तो कैमरे की जो क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं कुछ फोटोज इसमें ऐड करूंगा, आप देखिएगा इसका क्वालिटी कैसा है। इसमें बहुत सा अपवाद चल रहा है कि हाँ कलर बूस्टेस करके कि बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दे रहा है, तो मैं मान रहा हूँ कि हाँ कलर को थोड़ा सा डार्क कर रहा है, लेकिन उतना बूस्ट नहीं कर रहा है कि ताकि हाँ देखने में बहुत भद्दा लगे। फोटो भी क्वालिटी गुड है, आप देख सकते हैं। गाइस, स्टेबलाइजेशन की बात आती है वीडियो शूटिंग के बारे में। देख सकते हैं कि मैं वीडियो को नॉर्मली चल के शूट कर रहा हूं, तो इसमें मैं देखिए लेकर दौड़ रहा हूं फ़ोन को, पूरा तेज फ़ोन को मैं लैग करके दौड़ रहा हूं, फिर भी इसमें आप क्वालिटी देख सकते हैं कैसा आ रहा है। जो भी इसका स्टेबलाइजेशन है, जो हाथ में हिला रहा हूं या दौड़ रहा हूं फ़ोन को लेकर के, फिर भी आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी। मैं इसका हाथ करके ऐसे दौड़ रहा था, फिर भी आप देख सकते हैं इसका जो स्टेबलाइजेशन क्वालिटी है, मतलब लेकर दौड़ेंगे फिर भी ये फ़ोन अपने वीडियोज़ को काफ़ी हद तक ठीक रख रहा है। अब बात आती है गाइस फोकस की, वीडियोस बना रहे हैं तो किसी पॉइंट को लेकर फोकस किया जाए। तो देखिए मेरा चेहरा आप देख पा रहे हो, मैं इसको हटाया तुरंत लाया तो देखिए ऑटोमेटिक फोकस कर ले रहा होगा। एक क्वालिटी काफ़ी हमको बेस्ट लगा है, काफ़ी मस्त इसका क्वालिटी है कि हाँ तुरंत फोकस कर रहा है, थोड़ा भी टाइम नहीं लगा रहा है। मोबाइल के हीटिंग के बारे में बात किया जाए तो अभी तक जैसे कि मोबाइल को हम चार्ज लगाते हैं, इसके साथ 68 वाट का चार्जर है, जिसको मोबाइल को चार्ज करने में मात्र आपको 50 मिनट में फुल चार्ज मोबाइल हो जा रही है। और हीटिंग की बात किया जाए तो हाँ चार्जिंग टाइम मोबाइल हीट होता है, अगर ज़्यादा कुछ हैवी गेमिंग करते हो तब हीट होता होगा, लेकिन नॉर्मली यूज करने में कोई हीटिंग नहीं है, ये चीज़ हमको काफ़ी बेस्ट लगा। सामने देख सकते हैं कि रोड है, रोड पे गाड़ियाँ काफ़ी जा रही होंगी और मेरी आवाज़ की क्वालिटी आप देख सकते हैं कि कैसा आवाज़ की क्लियरिटी है। आवाज़ की क्लियरिटी आपको खुद सामने से समझ में आ रहा होगा कि हाँ कितना नॉइस को ये हटा रहा है, कितना मेरी आवाज़ को फोकस कर रहा है। तो सामने रोड है, काफ़ी गाड़ी आ रही है जा रही है, फिर भी आवाज़ को ये समझिए कि साउंड को क्लियर मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, जो फालतू की आवाज़ है उसको फोकस नहीं कर रहा है। ये चीज़ इस फ़ोन में काफ़ी बढ़िया लगा हमको। बात करते हैं जूमिंग की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पर्सन यहाँ पे जा रहा है, उसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसमें 8x जूम दिया हुआ है, जूम करने पर क्या फोकस है इसका देख सकते हैं। मैं नॉर्मली इसको हल्का जूम करते करते जा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग वो जो डिस्टेंस है यहाँ से, हमारे यहाँ से 200 मीटर की लगभग दूरी पर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4K 30 FPS पे 6x का जूम है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हाँ कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। गाइस, अगर आपको फ़ोन लेना होगा तो आप तो इसके लुक के बारे में देख ही लिए होंगे, लेकिन मैं इस मोबाइल से शूट कर रहा हूँ तो मोबाइल के लुक मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इसके साथ जो
बैक कवर मिलता है वो काफ़ी स्मूथ तो है, लेकिन उसमें जो हार्डनेस थोड़ा है, लेकिन उसको जो आप हिसाब से नहीं रखेंगे तो टूट जाएगा, जैसा कि मेरा टूट गया। अगले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, नॉर्मली उसको पकड़ने के बाद मतलब थोड़ा सा अगर जो हल्का तेज पकड़ लिए, जैसे कि सामने से साइड से एकदम कोने कोने जो स्पर्शन दिया गया उससे हल्का सा क्रेक हो सकता है। तो हमारे हिसाब से लग रहा है कि हाँ, फ़ोन में जो क्वालिटी दिया गया है कैमरा का, जो 50 मेगापिक्सल का है, और इसमें आपका OIS का सपोर्ट भी दिया गया है, साथ में 13 मेगापिक्सल का आपको एक सेंसर कैमरा दिया गया जो वाइड एंगल मोड को स्टेबलेशन जो कवर कर सकता है। तो ये चीज़ इस फ़ोन में काफ़ी हमको अच्छा लगा, जो आप लोग इस वीडियोस में देख पा रहे होंगे, काफ़ी स्मूथनेस है, काफ़ी चलाने में हल्का फील हो रहा है, और साथ साथ जो 68 वाट का चार्जर मोबाइल को काफ़ी फास्ट चार्ज कर रहा है, ये चीज़ फ़ोन में काफ़ी अच्छा लगा है। और मोबाइल का जो रेट है, रेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन है। जो प्राइस इस फ़ोन के रेट में कंपेयर किया जाए तो आपका वीवो जो आया है T2 5G करके, और एक IQ का फ़ोन है, और ये तीनों फ़ोन का काफ़ी क्रेज है, और तीनों में अगर देखा जाए तो डिस्प्ले के जो साइज़ है वीवो और IQ के अपेक्षा इसका जो डिस्प्ले साइज़ है काफ़ी छोटा है। अगर जो आप एक हाथ से यूज करते हैं तो नॉर्मली यूज कर लेते हैं, लेकिन वीवो IQ जो फ़ोन है उसका आप नॉर्मली यूज करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता है। गाइस, फ़ोन के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जो भी आपको जानकारी दिया हूँ आपको परफेक्ट जानकारी दिया हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो बनाने का कोई हमको वो नहीं मिला है कि हाँ हम आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा विशेष जानकारी बता दें ताकि आपको कुछ प्रॉफिट हो जाए। लेकिन जो मेरे भाई जो फ़ोन लेना चाहता होगा तो काफ़ी उसको रिसर्च चाहिए कि हाँ कैसे लिया जाए, बहुत से तमाम वीडियो पड़ी हूँ, लेकिन अगर जो मेरी आप बात तो एग्री करें कि हाँ मैं इस फ़ोन में कितना सच्चाई बता रहा हूँ, तो ये सारा जो मैं डिटेल बताया हूँ काफ़ी फ़ोन में अच्छी क्वालिटी है। गाइस, कैमरा भी गुड लुक है, बैटरी का भी बैकअप बढ़िया है, डिस्प्ले की क्वालिटी तो पूछना ही नहीं, बहुत लाजवाब है, और साथ साथ जो मोबाइल का जो परफेक्ट साइज है काफ़ी बेस्ट है, जो आप एक फ़ोन से आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं, और फ़ोन भी काफ़ी हैवी नहीं कि हाँ इसको लेकर चलने में हाथ में दर्द होने लगे, आप भारी सा वजन फील हो, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। फ़ोन में हर एक क्वालिटी जो दिया गया है काफ़ी परफेक्ट दिया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि इस पर IP68 जो फ़ोन को अगर नॉर्मली ठंडा पानी में आप डाल भी देंगे तो फ़ोन अच्छा वर्क कर ले, लेकिन मैं एक सविलिया नहीं हूँ, क्योंकि भैया जो पैसा चार्ज किए हैं तो थोड़ा सा इसका कंपनी बोलिए भैया आप गिरा उरा कर देख सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करिएगा, अगर जो गिर जाता है गलती से तो वो बात ही अलग है, शौकबाजी में हम लोग डाल देते हैं पानी में, लेकिन ऐसा गलती बिल्कुल मत करिएगा। और बात किया जाए कि सब डिटेल मैं बता दिया हूँ, बैटरी भैया कोई कमेंट किए थे बैटरी के बारे में, तो बैटरी भैया मस्त चल रहा है, और कुछ विशेष इसके बारे में जानकारी अगर कोई भी जानकारी चाहिए होगा हमें कमेंट कर दीजिएगा, अगर मैं अगले ब्लॉग वीडियो शूट करूँगा तो उसमें ज़रूर उसको हम फोकस कर लेंगे। तो मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है वीडियो, तो आप लोग अगर जो लेना चाहते हैं कि वीवो मोटो G40 Neo को लिया जाए कि ना लिया जाए, तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर जो इस प्राइस रेंज में आपको फ़ोन लेना हो तो ये काफ़ी आपके लिए बेस्ट रहेगा हर एक चीज़ के मामले में। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।